झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में इंदौरी नेताओं के पहुंचने से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को जिताने के लिए इंदौर से कांग्रेस के नेता अनु पटेल ने मंत्री जयवर्धन सिंह के साथ झाबुआ में कांग्रेस के समर्थन में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनावी रणनीति बनाई और स्थानीय कांग्रेसियों का उत्साह भी बढ़ाया। हालांकि कांग्रेस भाजपा के प्रमुख नेता बराबर झाबुआ पहुंच रहे हैं, लेकिन इंदौरी नेता अनु पटेल की मिलनसारी कार्यकर्ताओं को खूब रास आ रही है। मंत्री जयवर्धन सिंह के साथ अनु पटेल अपने आकर्षक लुक और खुश मिजाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वे जहां भी जाते हैं युवा खींचे चले आते हैं। भाजपा के उम्मीदवार भानु भूरिया को घेरने के लिए अनु पटेल ने जब कार्यकर्ताओं को सूत्र बताया तो लगा भाजपा को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश सरकार के कई मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता झाबुआ में पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। विक्रांत भूरिया ने सर्किट हाउस में अनु पटेल से अलग से चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, सुवेग राठी भी मिले। दोनों ही दलों के चुनाव रणनीतिकारों में एक खास बात यह है कि अधिकतर नेता इंदौर या आसपास के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, यानी झाबुआ उपचुनाव में जीत या हार का दारोमदार इंदौरी नेताओं पर टिका हुआ है। आपको बता दें झाबुआ में 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे जबकि मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। सचिन भैया, मैं तो यही शुरुआत से आपके साथ आपको पूरा शेयर देंगे कि ये सब जगह आप हो गए घूमने के बाद हम कुछ लोग आए बाहर से भी जो काम करेंगे आपके साथ ही।